नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो है वो वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमारे घर की लाइट कंट्रोल करने के लिए मेन जगह होती है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हमारी ड्यूअल पोल MCB, RCCB, सिंगल पोल MCB और न्यूट्रल बस बार वगैरह लगी होती है। तो यहाँ से दोस्तों हम हर एक रूम को अलग अलग MCB से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं पर हमारी घर में जो मेन लाइट आती है वह कंट्रोल होती है, और यहीं से आगे हम हर रूम के लिए अलग अलग लाइट लेकर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले के समय में हमारा जो ये इलेक्ट्रिक मीटर होता है ये हमारे घर के अंदर ही लगता था, लेकिन दोस्तों अभी तो घर के बाहर जहाँ से पावर आती है यानी कि जो खंभा होता है उस खंभे के ऊपर ही ये इलेक्ट्रिक मीटर लगता है। और अभी यह इलेक्ट्रिक मीटर हमारे घर के अंदर जो है वो नहीं लगता है। बाकी दोस्तों, यदि आप किसी रूम का अलग से रीडिंग वगैरह चेक करना चाहते हैं जहाँ पर आप अपना एयर कंडीशनर या फिर रूम हीटर वगैरह लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप अलग से भी ये इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो किटकैट फ्यूज लिए हैं। एक ये ड्यूअल पोल की 32 एम्पीयर की MCB ली है और एक ये RCCB ली है और ये सिंगल पोल MCB है 3। तो यहाँ पर हम इन सभी की वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ड्यूअल पोल MCB जो है वो 32 एम्पीयर की हमारे घर के लिए बहुत होती है। ठीक है दोस्तों, चाहे आप रूम हीटर चलाएं या फिर दोस्तों एयर कंडीशनर वगैरह चलाएं, हमारे घर के अंदर जो है ड्यूअल पोल MCB 32 एम्पीयर की काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी ये इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जो है वो हमारी लाइट आती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको इस इलेक्ट्रिक मीटर के कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए दोस्तों आप किसी रूम के लिए अलग से इलेक्ट्रिक मीटर लगाना चाहते हैं तो उसके कनेक्शन के बारे में आपको बता दूँ। यहाँ से हमारा जो है वो लाइन वाला वायर जुड़ेगा और इसके तुरंत बाद यहाँ से हमारा न्यूट्रल वायर जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो है वो हम सेम नहीं कर सकते हैं इसी की तरह कि यहाँ पर हम लाइन वाला वायर जोड़ते हैं और यहाँ पर हम न्यूट्रल वायर जोड़ें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा न्यूट्रल वायर ही जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा पावर वाला यानी लाइन वाला वायर जो है वो जुड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम ये न्यूट्रल वायर जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ से हम ये न्यूट्रल वायर निकाल लेते हैं और यहाँ से इसके कैट फ्यूज के अंदर जो है वो डाल देते हैं। अब दोस्तों, अब बचता है हमारा लाइन वाला वायर, तो ये हम यहाँ से निकालते हैं और इस किटकैट फ्यूज के अंदर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी लाइट जो है वो किटकैट फ्यूज के अंदर आ चुकी है। अब दोस्तों, इस किटकैट फ्यूज से हम MCB यानी ये हमारी ड्यूअल पोल की जो ये MCB है इसके अंदर ये लाइट लेकर जाएंगे। तो यहाँ से किटकैट फ्यूज से हमारी ये लाइन वाला वायर निकलेगा और इस MCB के इस टर्मिनल में यहाँ पर हम ये लाइन वाला वायर जो है वो जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बचता है हमारा न्यूट्रल वायर। तो ये न्यूट्रल वायर यहाँ से निकाल कर हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की वायरिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पावर वाला वायर। तो दोस्तों, यहाँ से हम
तो यहाँ से दोस्तों हम ये लाइन इस आरसीसीबी के अंदर हमने दे दी है, और अब हम न्यूट्रल वायर जो है वो इसके अंदर डालने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस आरसीसीबी के ऊपर लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर एन और यहाँ पर एक। तो जहाँ पर दोस्तों एक लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लाइन वाला वायर जो है वो डालना है, और जहाँ पर दोस्तों एन लिखा हुआ है वहाँ पर आपको न्यूट्रल वायर डालना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हमारी आती है सिंगल पोल की एमसीबी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यदि आप ज़्यादा लोड चलाते हैं अपने घर में तो आप 32 एम्पीयर की एमसीबी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपका काम 10 एम्पीयर से भी चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके आगे की वायरिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर 3 एमसीबी ली है, तो सबसे पहले इन तीनों में हम लाइन वाला वायर जो है वो डाल देते हैं। और दोस्तों एमसीबी में हमारा लाइन वाला वायर है वही लगता है, तो ये इस एमसीबी के अंदर जो है वो हमने लाइन वाला वायर डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हर रूम के लिए अलग अलग हम यहाँ से एक लाइन वाला वायर उठाते हुए चलेंगे। और न्यूट्रल वायर की बात करें तो न्यूट्रल वायर हम यहाँ से इस बस बार के अंदर जो है वो डाल देते हैं, यहाँ से हमारा न्यूट्रल वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हम हर एक रूम के लिए अलग अलग न्यूट्रल वायर जो है वो लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये न्यूट्रल बस बार का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि दोस्तों मान लीजिए अब हम तीनों रूमों के लिए यहाँ से लाइन वाला वायर जो है वो लेकर चलेंगे तो हमें न्यूट्रल वायर की भी ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रल वायर यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट वायर जोड़ेंगे तो एक ही वायर से सभी वायर जोड़ने पर जो है वो काफ़ी बड़ा जोड़ हो जाता है, और मान लीजिए दोस्तों किसी दिन हमें वायर हटाने की ज़रूरत है तो सभी रूम की वायरिंग जो है वो हटेगी। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर न्यूट्रल बस बार का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोस्तों यहाँ पर हम अलग अलग रूम के लिए अलग अलग वायर लेकर जा सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की वायरिंग जो है वो करनी है। तो दोस्तों वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।